So, are you excited about the Gujarati Award Show? मैं एक गुजराती हूं और मुझे एक गुजराती होने का गर्व है और आज ट्रांसमीडिया अवार्ड 17 साल जब पूरे होने को है और आज हम सब कलाकारों को एक बड़ा मंच आज यहां पर प्राप्त हो रहा है और इसके लिए दो शख्सियत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक हमारे जस्मीन भाई शाह और मनीष भाई जिन्होंने ये प्रयास किया और प्रयास को 17 साल हो गए और आप सब ने मुझे लाफ्टर चैलेंज के माध्यम से, तारक मेहता के माध्यम से बहुत प्यार दिया। कलाकार कभी बड़ा नहीं होता, कलाकार को सुनने वाला प्रेक्षक बड़ा होता है कि जो बातों को कलाकारों की सराहता है उसे अप्रिशिएट करता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट इज जस्ट लाइक अ कैंडल बर्निंग एट बोथ द एंड्स, नो वन कैन स्टॉप इट, कैन सी ओनली हाउ नाइसली डज इट बर्न। जिस शेर ने मुझे जय छनियारा बनाया वो सब के लिए कहना चाहूँगा कि जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम हुआ उसे अपना लिया, आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया। थैंक यू सो मच। मैं लोगों की हंसी की कैटेगरी में नॉमिनेट, मैं सबसे पहली बात तो ये है और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक इस सांस में सांस है लोगों को इसी तरह हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, क्योंकि हंसी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें GST नहीं। सो सबको ऐसे ही हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, तो आप सब मुझे इस तरह प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। सर आप काफ़ी अच्छा मिमिक्री भी करते हैं, जैसे कि हमें मालूम पड़ा आपका चैलेंज, एक के मिमिक्री करके बता सकते हैं आप? मैं एक्टर की आवाज़ तो नहीं निकाल सकता सर, क्योंकि वो तो बहुत टफ चीज़ है, लेकिन हाँ, लेकिन जिस मैंने लाफ्टर चैलेंज में एक बात कही थी वो मैं कहना चाहूँगा, जिस चुटकुले से मैं फेमस हुआ, एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने मोदी साहब को कहा मुझे हिंदुस्तान का PM बनाओ। मोदी साहब बोले मुझे और कोई टेंशन नहीं है क्या, तुम ये नई बात कर रहे हो? बोला नहीं, मुझे PM बना। तो मोदी साहब ने कहा कि अगर PM बनना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। बोले मैं सीख लूँगा, मेरी पत्नी भी CM है। बोले अगर आपकी पत्नी CM है तो मैं आपको थोड़ा PM कर सकता हूँ, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। बोले मैं सीखूँगा, आप मुझे चिट्ठी लिख दो। मोदी साहब इस समय कोई टेंशन में नहीं था, चिट्ठी लिख दी ट्रम्प साहब को कि इसको मैं भेज रहा हूँ लालू जी को, आप इंग्लिश सिखा देना। ट्रम्प साहब भी टेंशन में नहीं थे, हाँ कहा, 6 महीने तक सिखाया। 6 महीने के बाद मोदी साहब को ऐसा लगा कि लाऊ मैं फ़ोन तो करूँ ट्रम्प साहब को, तो अमेरिका फ़ोन किया, इंग्लिश में पूछा, कहने लगे व्हाट प्रोग्रेस अबाउट लालू। ट्रम्प साहब ने फ़ोन में जवाब दिया, ये ससुरा इंग्लिश नहीं बोल पाए।